कथैया थाने की पुलिस द्वारा शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में सड़क जाम किया, पुलिस ने किया लाठी चार्ज। जिले के कथैया थाने की पुलिस द्वारा एक शराब धंधेबाज राजन सहनी उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया। उसे जेल भेजने से पूर्व उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। इसकी जानकारी लगते ही ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो उठे। कथैया थाना पर सैकड़ों की संख्या में लाठी डंडे लेकर महिला और पुरुषों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया, जमकर हंगामा और बवाल करने लगे। राजन सहनी को पुलिस हिरासत से छोड़ने की मांग करने लगे। स्थिति अनियंत्रित होने की सूचना पर आसपास के थानों को काफी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया। डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद और एसडीपीओ सरैया राजेश शर्मा भी पहुंचे। उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस ने जमकर नोकझोंक होने लगी। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ कर भगा दिया। हालांकि डीएसपी वेस्ट ने लाठी चार्ज से इनकार किया है। डीएसपी वेस्ट ने बताया कि राजन पर शराब के कई पूर्व केस दर्ज हैं। उसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल भेजने से पूर्व उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे डॉक्टर से दिखाया गया है, सुधार होने पर जेल भेजा जाएगा। पुलिस द्वारा पिटाई करने की बात गलत है, उसके साथ मारपीट नहीं की गई है। रोड जाम किए हैं, निर्दोष दो आदमी है, हमको आदमी के मार के बेकामिल कर दिया है, उस आदमी को छोड़ना चाहिए, इसीलिए हम लोग रोड जाम किए हैं। किसको अरेस्ट किया पुलिस? राजू सहनी के सर, मेरा जीजा है राजू सहनी। वो दोषी नहीं है क्या? नहीं सर, दोषी नहीं है। कौन थाना का मामला? कोई नाम लिखा दिया था। राजू सहनी का कैसा आया है? सर आप हंगामा काहे के लिए कर रहे हैं? सर हंगामा किया इसीलिए कि उसको तलिया पकड़ के उल्टा टांग टांग के मारा है। ये अभी हम लोगों को खबर मिली कि थाना पे कुछ भीड़ हो गई है, क्योंकि विवाद ये था कि एक शराब के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज फॉरवर्ड करना था, तो उसकी तबीयत कल खराब हो गई थी, जिसके बाद उस इलाजरत था। उसी में उसके परिजन और कुछ लोगों का यहाँ के ये कहना था कि पुलिस के द्वारा भी उसे उसके साथ मारपीट की गई है, तबीयत खराब है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके परिजनों को भी समझाया गया है, उसे फॉरवर्ड किया गया है, और अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो वो डॉक्टर भी देखेंगे और उस हिसाब से उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। बाकी उनका जो भी शिकायत है उसके उस पर बिंदुवार हम लोग जांच करेंगे, और अगर तथ्य में कुछ भी सच्चाई निकलेगी तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर थाने पे लोगों की भीड़ जुटी थी, हंगामा भी हुआ है और पुलिस लाठी भी चार्ज किया गया? भीड़ तो जुटी थी लेकिन लाठी चार्ज की नौबत नहीं आई, बातचीत करके समझा दिया गया है, और अगर कुछ और इसमें तथ्य निकल के आएगा तो उस हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। किस मामले में सर गिरफ्तारी की गई थी उसकी? शराब के मामले में पुराने दो तीन केसेस हैं उस पे जिसमें उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी हुई थी सर? गिरफ्तारी हुई है परसों रात को, गिरफ्तारी की गई थी उसकी, कल उसको फॉरवर्ड किया गया था, पर चूंकि उसकी तबीयत खराब थी तो कोर्ट के द्वारा उसे समय दिया गया था, उसके बाद उसे आज भेजा गया। आज वाले जो आक्रोशित जो लोग थे उन लोगों में किसी गिरफ्तारी वगैरह भी है क्या? नहीं नहीं अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, मामले जांच में देख लेते हैं, इसमें जो भी आएगा उस पर काम किया जाएगा। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं।